हेलो एंड जय हिंद एवरीवन, क्या हाल चाल सबके। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन ट्रेन सिमुलेटर के अपकमिंग अपडेट के बारे में, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आ चुके हैं कि ITS का अपडेट हमें कब देखने को मिलेगा। तो इसी का आंसर यहाँ पर मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। यार, मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा अपने यूरो ट्रेन सिमुलेटर 2 के बारे में, जिसका जो अपडेट अभी हाल ही में हाइब्रो इंटरेक्टिव ने अल्फा बीट और पब्लिक सभी के लिए रिलीज़ किया है। तो यहाँ पर जो हाइब्रो ने अपडेट निकाला, तो इंडियन फैंस का यहाँ पर ये कहना था कि जो अपडेट है वो यहाँ पर थोड़े उन्हें अटपटा सा लगा, यानी कि जो अपडेट है वो यहाँ पर थोड़ा सा उन्हें अजीब लगा या फिर अच्छा नहीं लगा, मैं यहाँ पर सीधी भाषा में बोलूँ तो ये कहना था यहाँ पर अपने इंडियन फैंस का। तो यार, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, गेम का नाम है यूरो ट्रेन सिमुलेटर 2। तो हाइब्रो ने जो इसका अपडेट निकाला है वो अपने यूरोप की पब्लिक को ध्यान में रखते हुए निकाला है। मैं मानता हूँ यहाँ पर यार इंडियन फैंस को जो अपडेट है वो थोड़ा सा अजीब देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी इंडियन वहाँ पर चीज़ें नहीं थी वहाँ पे, लेकिन यूरोप की जनता जो है वो यहाँ पर इस अपडेट को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रही है और करती रहेगी। और हाइब्रो ने यहाँ पर यह भी क्लियर किया था कि जो अपडेट वो यूरो ट्रेन सिमुलेटर 2 में निकालेंगे, अगर वो अपडेट का रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो ITS में भी उस अपडेट को ऐड किया जाएगा। अब यार, यहाँ पर वो डिफरेंट कुछ चीज़ें लाने वाले हैं या फिर यही सेम चीज़ें लाने वाले हैं, ये चीज़ अभी तक क्लियर नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये मिली है कि जो ITS का अपडेट है और जो प्लान है वो ETS 2 से डिफरेंट होने वाला है। ये गुड न्यूज़ आप सभी के लिए निकल कर आ रही है। और एक और गुड न्यूज़ है कि जो वर्क है वो ITS के ऊपर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है भाई, तो हाइब्रो ने यहाँ पर एक छोटी सी न्यूज़ शेयर करी है कि जो अपडेट है वो डिफरेंट होने वाला है और जो वर्क है वो स्टार्ट हो चुका है। अब यार, यहाँ पर अपडेट कब तक रिलीज़ करेंगे वो लोग और क्या वो देने वाले हैं, क्या उन्होंने प्लान किया है, ये अभी तक यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल भी रिवील नहीं किया। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कट बता दे रहा हूँ। अब अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो अपडेट है वो कब देखने को मिल सकता है। तो ITS की तो 6th एनिवर्सरी है वो आने ही वाली है अपने 5 जून 2022 को। ITS अपनी 6th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेगा, तो मेरे हिसाब से तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो अपडेट है वो आपको 6th एनिवर्सरी के आसपास रिलीज़ होता हुआ दिखाई देने वाला है। अब यार, यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि 5 जून को ही जो अपडेट है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा, 5 जून के बाद या फिर 5 जून से पहले, जून के मिड में, जून के लास्ट तक भी आपको जो अपडेट है वो देखने को मिल सकता है। मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी क्लियर नहीं हूँ कि हाइब्रो ने यहाँ पर कुछ भी क्लियर नहीं करा है वो कब रिलीज़ करने वाले हैं या फिर क्या देने वाले हैं। अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि जो अपडेट है वो हो सकता है 6th एनिवर्सरी के आसपास जो है वो हाइब्रो रिलीज़ कर दे। ठीक है भाई, तो फाइनल कंक्लूजन पर यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि जो पब्लिक का डाउट था कि अपडेट जो है वो सेम होने वाला है, तो यहाँ पर तो हाइब्रो ने ये क्लियर किया है कि जो अपडेट है वो डिफरेंट होगा और जो प्लान है वो भी डिफरेंट होने वाला है। और यहाँ पर वर्क जो स्टार्ट हो चुका है, अब यहाँ पर वो कब तक रिलीज़ करेंगे, क्या रिलीज़ करेंगे, ये अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं करा है। तब तक यार, मैं तो यहाँ पर आपके साथ ये वीडियो नहीं लाऊंगा कि ITS का जो अपडेट है वो यहाँ पर कब आने वाला है। 6th एनिवर्सरी तक यहाँ पर हम वेट करते हैं, अगर अपडेट आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो यहाँ पर आपके साथ फिर से कुछ विचार बात किया जाएगा हाइब्रो से इन्फॉर्मेशन लेके। तो उम्मीद करता हूँ भाई यहाँ पर ये लंबा सा ज्ञान आपको पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आया है तो यार एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए थे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बगल में मिलेगा एक छोटा सा बेल आइकन, उसे भी ऑन करके आप नोटिफाइड रह सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी वीडियो के साथ। दिस इज शान साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।